उत्तराखंड पुलिस की भर्ती में बागेश्वर से अधिक युवाओं की सफलता के लिए बागेश्वर पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव के नेतृत्व में बागेश्वर पुलिस के अधिकारी युवाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि युवाओं को दो शिफ्ट में लिखित व फिजिकल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हालांकि पुलिस भर्ती की तारीख तय नहीं होने से युवाओं का रुझान पुलिस भर्ती की तरफ इन दिनों कम हुआ है। उन्होंने बताया कि भर्ती की तारीख तय होने के उपरांत एक बार फिर से प्रशिक्षण में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने युवाओं से प्रशिक्षण में निरंतरता बनाए रखने की अपील की है। हाँ, देखिए, हमारे पुलिस लाइन में जहाँ पर जो है हमारा फिजिकल एग्ज़ाम भी होना है, उस जगह को हमने जो है तैयार करके यहाँ बागेश्वर के बच्चों के लिए अवेलेबल कराया हुआ है। और इस क्रम में जो है हमारे पास अब तक 200 से अधिक बच्चों ने अपने को इनरोल कराया और वो सुबह और शाम दोनों टाइम पर आते हैं हमारे ग्राउंड में। हमने इसके लिए ट्रेनर्स भी अपने जो है फ्री कर रखे हैं, जो बच्चों को गाइड करते हैं कि किस प्रकार की फिजिकल एक्टिविटीज़ या एग्ज़ाम्स होने हैं, उसकी तैयारी भी हम करवा रहे हैं। साथ ही साथ रिटन एग्ज़ाम्स के लिए भी हमने अपने ऑफिस से और जो हमारे थोड़े इंटेलेक्चुअल हमारे पुलिस पर्सन्स हैं, उन लोगों को हमने इस क्रम में लगाया हुआ है ताकि बच्चों का रिटन की भी जो है अच्छी तैयारी हो सके। मेरे स्वयं द्वारा भी इसमें क्लासेस बच्चों की ली जा रही है और कोशिश कर रहे हैं बच्चे मोटिवेट रहें और इस एग्ज़ाम में जो पुलिस भर्ती का आ रहा है इसमें ज़रूर सक्सेसफुल हों। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।